राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग का श्लोक 13 देखते हैं। पहला चरण अ, इसके बाद प्र। प्र का अर्थ हुआ आधा प और र पूरा। प्र अप्रकाशो, ये क्या है फिर? अवग्रह। अवग्रह का क्या काम होता है कि जो शोक की मात्रा है उसको आपको उच्चारण में अधिक समय देना है। एक हम बोलते हैं अप्रकाशो और एक हम बोलेंगे अप्रकाशो। ये प्र, वापस प्र, आधा प और र। व के नीचे री की मात्रा, इधर देखेंगे व आधा और री, इसको पढ़ा जाएगा व्री। प्रवृत, प्रव्री, व्री यानी व आधा, री पूरा, व्री। प्रव्री आधा त, प्रवृत्त, प्रवृत्त, फिर ती पूरा और आधा श, प्रवृत्तिश। च पूरा च में अमिक्स करेंगे, प्रवृत्तिश्च। पहला चरण वापस, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च। दूसरा चरण प्र, प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा। प्रमादो, मोह, ह पूरा, ह में अमिक्स करना है, मोह। ए व पूरा, व में अमिक्स करना है, एव। च पूरा, च में अमिक्स करना है, च। कैसे बोलेंगे दूसरा चरण? प्रमादो मोह एव च। पहला और दूसरा चरण साथ में, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च, प्रमादो मोह एव च। तीसरा चरण त पूरा, त में अमिक्स करेंगे, त म पूरा और स के नीचे हलन, आदाक्षर पूरे के साथ मस, तमस। य पर ए की मात्रा, ये तानी, नी मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचना। तमस ये तानी जा, य पूरा न आधा, आधे अक्षर को पूरे के साथ जायन्ते। तीसरा चरण वापस, तमस ये तानि जायन्ते। चौथा चरण वी, छोटी मात्रा लंबा नहीं खींचेंगे, व्री। व्री का अर्थ हुआ आधा व और री, व्री। विव्री आधा द, विवृद्धे, विवृद्धे, देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, विवृद्धे कुरु। रू मात्रा छोटी है, कुरु। न पूरा आधा न, नन। द पूरा, द में अमिक्स करेंगे, नंद। न पूरा वापस, न में अमिक्स करेंगे, नंदना। चौथा चरण वापस, विवृद्धे कुरु नंदना। तीसरा और चौथा चरण साथ में, तमस ये तानि जायन्ते, विवृद्धे कुरु नंदना। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ करते हैं, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च, प्रमादो मोह एव च, तमस ये तानि जायन्ते, विवृद्धे कुरु नंदना। एक बार वापस, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च, प्रमादो मोह एव च, तमस ये तानि जायन्ते, विवृद्धे कुरु नंदना। अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। हमने अभी पिछले 11 और 12 श्लोक में देखा कि जब सात्विक गुण में वृद्धि होती है तब प्रकाश और ज्ञान बढ़ता है। प्रकाश का मतलब हमारी इंद्रियां और अंतःकरण में प्रकाश होता है, और ज्ञान यानी हम में विवेक होता है कि हम, हमें क्या कर्म करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज होती है जब सात्विक गुण में वृद्धि होती है। जब रजोगुण में वृद्धि होती है तब, रजोगुण जब बढ़ता है तब हम किसी भी कार्य को ये समझते हैं कि हम उस कार्य का कर्ता हैं। उस कार्य में हमारी फल की इच्छा रहती है। जब वो फल की इच्छा, स्पृहा पूरी हो जाती है तो हमें लोभ हो जाता है, और जब पूरी नहीं होती तो हमें अशांति होती है। ये होता है जब रजोगुण बढ़ता है। आज हम देख रहे हैं कि तमोगुण बढ़ता है तो क्या होता है,
तमोगुण बढ़ता है तो अप्रकाश हो। अभी हमने देखा सात्विक गुण बढ़ता है तो क्या होता है, प्रकाश होता है, मतलब हमारी जो इंद्रियां होती है और अंतःकरण होता है उसमें एक प्रकाश होता है। लेकिन जब तमोगुण रहेगा तो अप्रकाश रहेगा। और अप्रवृत्त, अप्रवृत्त का अर्थ हुआ, अभी हमने बोला जब रजोगुण बढ़ता है तब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति कार्य में प्रवृत्त रहता है, कार्य करता है लेकिन उस कार्य का कर्ता खुद को मानता है। लेकिन तमोगुण वाला व्यक्ति कोई भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, अप्रवृत्त होता है। किसमें अपना समय व्यतीत करता है, प्रमाद में और मोह में, प्रमाद और मोह में केवल अपना समय व्यतीत करते हैं। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कुरु नंदन, यानी हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर, विवृद्धि बढ़ने पर अप्रकाश और अप्रवृत्ति होती है, लेकिन प्रमाद और मोह में अपना समय व्यतीत करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अप्रकाश और अप्रवृत्ति जो है वो तो रजोगुण और सत्वगुण के विरोधी है, क्योंकि अप्रकाश मतलब सत्वगुण का विरोधी और अप्रवृत्ति यानी रजोगुण का विरोधी, और जो प्रमाद और मोह का गुण है वो तमोगुण का खुद का गुण है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। नारायण नारायण नारायण।